आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सुबह से। सुबह दुनिया में कहीं भी हो, होती प्यारी ही है। हाँ प्यारी, क्योंकि ये शुरुआत होती है हमारे दिन की, वो दिन जिसमें हमने अभी कुछ पाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं। खोया नहीं तो सिर्फ पाने की उमंग से भरी ये सुबह, प्यारी सुबह। और मेरी इस प्यारी सुबह का नाश्ता साबूदाना खिचड़ी से होगी। हाय एवरीवन, सो मॉर्निंग में मैं साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगी और मैं साबूदाना को ओवरनाइट में ही सोक्ड करके रख देती। फिर मॉर्निंग में इसको 3-4 पानी से मैं वॉश करूंगी एंड मैं इसको तब तक वॉश करूंगी जब तक इसका एक्सेस स्टार्च जो है ड्रेन ना हो जाए। फिर इसके बाद जो मैं थाली में जो है इसको पोर कर दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ड्राई होने दूँगी। एंड फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली मेरे पास वेजी है वही सिर्फ चॉप कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद के वेजी चॉप कर सकते हैं। एंड देन कढ़ाई में जो है मैं मस्टर्ड ऑयल डालकर क्यूमीन और करी लिव से तड़का लगा दी हूँ। क्यूमीन और करी लिव से ये दोनों जो वाइटल रोल प्ले करता है डाइजेशन में। उसके बाद अनियन डाल के मैं हल्का सौते कर लूँगी एंड जो भी मैं ग्रीन वेजी है वो डाल के उसको भी मैं सौते कर लूँगी। एंड मसाले में जो है कोरिएंडर पाउडर, नमक, हल्दी डाली हूँ। अब मैं साबूदाना डाल के जो है इसको कुक होने दूंगी 5 मिनट और मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ मैं नींबू, टमाटो, कोरिएंडर लीव्स और मूंगफली से गार्निश कर दी हूँ। सो साबूदाना खिचड़ी ग्लूटेन फ्री खिचड़ी है और ये ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। और ये बहुत ही हाई प्रोटीन और हाई फाइबर रिच ब्रेकफास्ट है और इसको ना हम लोग चाय के साथ भी जो है सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। एंड फ्रेंड्स, जब भी आप ऑमलेट बनाते हैं ना तो उसको ज़्यादा ओवर कुक मत करें, क्योंकि ओवर कुक करने पे होता क्या है, सब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है और फिर हमारे डाइजेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जाती है। सो हम ऐसी चीज़ें क्यों प्रेफर करें जो हमारे फिटनेस में काम ना आए। वायु अपने खिलौने पूरे घर में बिखेर देता है और फिर मैं समेटती रहती हूँ। ये हमारे बेडरूम की खिड़कियाँ हैं जो खुलती है इस छोटे से गार्डन में। यहाँ से चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ से हमारी नींद खुलती है। वायु ब्रेकफास्ट करके अभी अपना फेवरेट चैनल देखने में बिजी है और मैं घर की सफाई करने में। और यहाँ पे मैं चाइल्ड लैंप लगा रही हूँ ताकि वायु स्पिन ना करे। घर की सफाई कर ही रही थी तो डिलीवरी बॉय दे के गया। मॉम्स फेस वॉश ऑर्डर की थी, जो ऑफर में था तो ऑर्डर कर दी। काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ नहाने के बाद। अब मैं जा रही हूँ वायु के लिए हलवा बनाने। ओके, बेसन हलवा के लिए मैं 2 टेबल स्पून देसी घी ले ली हूँ एंड थोड़ा सा जो है मैं बेसन ले ली हूँ और इसको मैं जो है रोस्ट करती रहूँगी जब तक ये ब्राउनिश कलर में टर्न ना हो जाए। एंड फ्रेंड्स, इसको जो है चलाते रहना है क्योंकि ये जो है फिर लम्स पड़ जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। और फिर मैं यहाँ पे शुगर की जगह जो मैं जैगरी यूज़ करती हूँ और मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ वायु के लिए तो जैगरी ही डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स से डालती हूँ इलायची और पानी डाल के जो है इसको रेडी कर दी हूँ हलवा। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। अब मैं वायु को हलवा खिला रही और मुझे वो लम्हा याद है जब मेरे बच्चे ने मुझे माँ पुकारा। और आज मदर्स डे है तो मेरी सारी माँ को और मुझे हैप्पी मदर्स डे। वायु का पेट भर जाए, समझो माँ का पूरा काम ख़त्म, कोई टेंशन नहीं।
जब मैं अपने कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, वो लम्हा बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कब मैं अपने बच्चे के पास चली जाऊँ और उसे खूब सारा प्यार दूँ। वायु को ब्लिप्पी एपिसोड काफ़ी पसंद है, बहुत ही अच्छे से देखता है। हालांकि माँ को स्पेशल फील कराने के लिए बच्चों को किसी दिन की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्पेशल दिन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक संदेश है, अकेले हो जाती है दुनिया जब माँ कहती है तू भी कुछ सीख ले, मैं कब तक साथ रहूँगी। इनको दूध चाहिए भाइयों, दूध चाहिए। म्याऊ, चलो दूध ले आया जाए। हाँ भूखी हैं सब, चलो। वायू दो, हम दे दें, हम दे दें। वायू वेरी गुड। वायू तुम डाल दिए, वेरी ना। बिल्ली की माँ दूध नहीं पी रही है और अपने बच्चों को पिला रही है। वायु को अब बाहर जाना है अपना साइकिल लेकर। मौसम बारिश वाला हो गया है, लेकिन वायु को तो बादलों को देखना अच्छा लगता है। जब तक बारिश की बूंदें इनके ऊपर नहीं पड़ेगी, ये घर वापस नहीं जाने वाला। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। हाँ गया भैया, गया।